बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना, क्या आपको पता है अचानक उनका करियर कैसे डूब गया? इतना बड़ा सुपरस्टार कैसे बर्बाद हो गया और किसकी वजह से हुआ? अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। जब अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत कर रहे थे, तब राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हुआ करते थे। साल 1972 में अमिताभ और जया की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन अक्सर जया से मिलने के लिए फिल्म बावर्ची के सेट पर पहुंच जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि फिल्म बावर्ची के सेट पर राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन की बेइज्जती की, ये कहकर कि ये लिंबू बम्बू जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है सेट पे। वहीं पे काम करने वाले ने राजेश खन्ना को बोला, सर जया मैडम को बुरा लगेगा। राजेश खन्ना बोले, ये दोनों मेरा क्या उखाड़ लेंगे। ये बात जब जया को पता लगी तो वो ये बात सहन न कर सकी और मेकअप रूम से बाहर आई। जया ने सेट पर राजेश खन्ना को करारा जवाब देते हुए कहा कि तुमने अब तक लगातार 15 हिट फिल्में दी है, ये लंबू 50 सुपरहिट फिल्में देगा और स्टार बनेगा, इसे तुम भी देखोगे और जमाना भी देखेगा। राजेश खन्ना ने ये बात हल्के में ली, क्योंकि तब अमिताभ बच्चन को कोई हिट फिल्म नहीं मिली थी। जया की यह बात बिल्कुल सही साबित हुई और फिल्म जंजीर से इंडस्ट्री को एंग्री यंग मैन मिल गया। धीरे धीरे राजेश खन्ना का स्टारडम कम होता चला गया। जहां एक ओर राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही थी, वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन एक के बाद एक हिट देते जा रहे थे और एंग्री यंग मैन के रूप में लोगों के दिलों में छा रहे थे। अहंकार इंसान को ले डूबता है, इसी वजह से काका का करियर खत्म हो गया। आशा करती हूँ राजेश खन्ना पे मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और खरी बात ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।